स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी वो टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करती है। सो यहाँ पर अगर हम उसी तरह का एक डायग्राम ले लें, एक मेटालिक कंडक्टर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर कर ले ये एक मेटालिक वायर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जिस्ट करता है। अगर हम सपोज टेम्परेचर कंसिडर कर लें, टेम्परेचर फर्स्ट कंसिडर कर लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम सेंटीग्रेड स्केल पर ले लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप कंसिडर कर लें। जब टेम्परेचर कम होता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो मटेरियल है उसकी अंदर एटम्स की उनकी थर्मल एनर्जी कम होती है, यानी उसके पास हीट एनर्जी कम होती है। जब हीट एनर्जी कम होती है एज अ रिजल्ट उनकी जो वाइब्रेशन है, जो एटम्स की वाइब्रेशन है, चूंकि एटम्स अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, एटम्स की वाइब्रेशंस क्या होती है, वो स्लो होती है, यानी उनके पास स्मॉल एनर्जीज होती है हर एक एटम के पास। अब अगर इनकी एनर्जीज कम है और इनकी वाइब्रेशंस कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अब देखिए इनकी भी एनर्जी कम होती है, इनके दरमियान जो कोलिजन रेट है वो कम होगा, यानी एक दूसरे के साथ वो बहुत स्लोली कोलाइड करेंगे, बहुत आराम के साथ टकराएंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर लें, कोई भी टेम्परेचर बढ़ाए, फॉर एग्जाम्पल 20, 30 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम टी फॉर एग्जाम्पल 75 डिग्री सेंटीग्रेड आप कर लें, T75 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर इतना कर लिया, इंक्रीज कर लिया, अब एटम्स की जो थर्मल एनर्जीज है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल एनर्जीज यानी इनके पास हीट आपने उनको ट्रांसफर किया, हीट उनको जब ट्रांसफर होता है उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ेगी, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज बढ़ेगी, कोलिजन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब कोलिजन रेट इंक्रीज हो जाएगा हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो और भी इंक्रीज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्चुअली इन कोलिजन की वजह से होता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन रेट इंक्रीज होता है, और एज ए रिजल्ट इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो अपोजिशन है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, और हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। यानी हम यू लिख सकते हैं कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल R0, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस है, और किसी भी दूसरी टेम्परेचर पर हमारे पास रेजिस्टेंस है RT, स्मॉल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी। अब इन दोनों के दरमियान जो चेंज है, यानी अगर हम 0 से टेम्परेचर इंक्रीज कर लें, कोई भी टेम्परेचर बढ़ाए, रेजिस्टेंस में इंक्रीज आ जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज आ जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है उतना इंक्रीज इसमें आ जाएगा। हम लिख सकते हैं कि RT-R0 यानी इनिशियल से फाइनल तक कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये वो रेजिस्टेंस है, इनके दरमियान डिफरेंस कितना आएगा, कितनी वैल्यू में ये इंक्रीज हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनल है किसके लिए, चेंज इन टेम्परेचर के लिए। यानी जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, जितना आप टेम्परेचर में कम इंक्रीज लाएंगे टेम्परेचर में चेंज कम आएगा। यू आप उसी तरह इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें सपोज। इसी तरह अगर हम देखें इसका, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस हम देखें, और नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस है, अगर किसी कंडक्टर का जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसमें चेंज क्या आएगा, वो भी टेम्परेचर के साथ ज्यादा आएगा। अगर इनिशियल कम है तो उसमें चेंज भी कम आएगा। हम इस दूसरे स्टेटमेंट को यूं लिख सकते हैं कि RT-R0 जो इन दोनों का डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके लिए, इनिशियल रेजिस्टेंस के लिए, यानी डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पर और इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर। अब इन दोनों को उसी तरह हम कंबाइन कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, चूंकि जो लेफ्ट साइड है हमारे पास वो सेम है दोनों का, RT-R0 प्रोपोर्शनल है किसके लिए, R0 into चेंज इन टेम्परेचर। अब चूंकि हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है यहाँ पर, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव कर दें, जिस तरह के पहली इक्वेशन में हमने पढ़ा, हम यहाँ पर पुट करेंगे एक इक्वेलिटी का साइन और एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा, ये बन जाएगा RT-R0 इज इक्वल टू, एक इक्वेलिटी का साइन आएगा और दूसरा आएगा कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्स्टेंट यूज होता है वो है अल्फा इंटू R0 डेल्टा टी,
ये हमारे पास इक्वेशन बनता है। अब जो अल्फा हमारे पास यहाँ पर आता है उसको हम क्या कहते हैं, चूंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी की जगह आती है तो हम इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब अल्फा क्या चीज है इसको हम यहां पर डिफाइन करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब अगर आप देखिए इक्वेशन को देखें जो हमने लास्ट इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, सो इससे हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। इस चीज को हम सिंपली यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंस इन रेजिस्टेंस है, यानी फाइनल रेजिस्टेंस, ये फाइनल रेजिस्टेंस है माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, डिफरेंस इन रेजिस्टेंस या डेल्टा आर इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस चीज पर इसको डिवाइड करेंगे, आर नॉट और डेल्टा टी के ऊपर डिवाइड कर ले बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। सो देखिए ये दोनों जो टर्म्स हैं ये कैंसल आउट हो जाएंगे, सो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये एक फाइनल इक्वेशन बन गया हमारे पास कि रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। सो अगर आप देखें अल्फा जो है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास मेटल मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि मेटल्स के लिए हम पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब आप मेटल्स की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है उसके साथ साथ। और इसी तरह अगर आप सेमीकंडक्टर्स देखें तो सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है इसकी वैल्यू, इसका मतलब यह है कि सेमीकंडक्टर्स की जो टेम्परेचर हम जब इंक्रीज कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, यानी उसके पास मोर एंड मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, यानी इसकी जो वैल्यू है सेमीकंडक्टर्स के लिए वो नेगेटिव है और कंडक्टर्स के लिए वो पॉजिटिव है। अब अगर आप देखें अगर ये तो हमने रेजिस्टेंस यूज किया, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस थर्मामीटर के लिए भी, अगर आपको अल्फा की वैल्यू नॉन हो किसी मेटल की, किसी सेमीकंडक्टर की फॉर एग्जांपल, सो जस्ट उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो पुट कर लें और जो चेंज इन रेजिस्टेंस है यानी फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल वो पुट कर लें और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास जीरो होगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टी की, यानी टी माइनस टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी जिससे हम टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको हम एज अ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी यूज कर सकते हैं, और अगर हम इसको रेजिस्टिविटी फॉर्म में लेके सो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट, जिस तरह के आर माइनस आर नॉट है या आर टी माइनस आर नॉट, तो इसको हम रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू डेल्टा टी। अगर हम इसको रेजिस्टिविटी फॉर्मूले के जस्ट रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के ऊपर रिप्लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये हमारे पास बेसिक इक्वेशंस थे कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वो किस तरह डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर, और इसकी हम अगर यूनिट देखें अल्फा की यूनिट तो हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या है, ओहम या ओमेगा उसका सिंबल है, ओहम देखें आप लेके डिवाइडेड बाय ये भी रेजिस्टेंस तो इसकी भी ओहम, और जो टेम्परेचर है उसकी इंटरनेशनल यूनिट हमारे पास है केल्वन, तो देखिए ओहम और ओहम कैंसिल हो जाएंगे, केल्वन को अगर आप ऊपर ले जाएं तो इसकी जो यूनिट है वो बन जाएगी केल्वन इनवर्स।